नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेनेटिक्स के इस कड़ी में। हम तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं, नाम है मल्टीपल एलील। जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट है नाम से, मल्टीपल एलील यानी कि एक से अधिक एलील। जैसे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने लॉ में बताया था कि हर एनिमल या प्राणी में क्या होता है, अधिकतम किसी एक कैरेक्टर के लिए दो दो एलील होते हैं, उन्होंने ये बताया था। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दो से अधिक एलील पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यहाँ लिखा हुआ है दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील की कई होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे इनमें पहला एक रीज़न दिया हुआ है कि हो सकता है उसमें म्यूटेशन हो जाए उस कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, तो एक नया एलील का फॉर्मेशन हो सकता है। ये क्रॉसिंग ओवर को एग्जिबिट नहीं करता है। और ये जो एलील जो होते हैं मल्टीपल एलील की वजह से क्या होता है, डिफरेंट फिनोटाइप और जीनोटाइप पाया जा सकता है पॉपुलेशन में। इनकी कई एग्जाम्पल आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप, इंसानों में ब्लड ग्रुप को ही अगर लिया जाए तो इसको मल्टीपल एलील में लिया जाता है। इसमें मल्टीपल एलील यानी कि इसमें अधिकतम तीन एलील होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। और ए बी, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जिनमें से ए बी ओ क्या होता है, तीन प्रकार के एलील होते हैं। उसी प्रकार ड्रोसोफिला में भी लगभग 15 एलील पाया जाता है उस आँख कलर के लिए, आई कलर के लिए। और तीसरा जो इसका एग्जांपल दिया हुआ है वो रैबिट में दिया हुआ है, जिसके चार एलील होते हैं फॉर कोट कलर के लिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जब दो से अधिक एलील इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम मल्टीपल एलील कहते हैं। आई होप यू गाइस समझ में आया होगा आप सभी को मल्टीपल एलील क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।